फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू, वेलकम बैक। काफ़ी समय से आप हमें हम ऐसे ढूंढ रहे थे, कहाँ थी आप और क्या कर रहे। सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आप जुड़ी हुई है ऑडियंस से, बट क्या कर रही हैं अभी लाइफ में और क्या चल रहा है? सी, ये मेरी फैमिली का सीज़न 2 ऐसे बहुत लंबे वक्त पहले नहीं आया था, बट हाँ तकरीबन 1 साल हो गया है, क्योंकि लास्ट ईयर मई में रिलीज़ हुआ था और उसके बाद इस सीज़न की शूटिंग भी थी, तो आई वॉज़ बिज़ी विद दैट एंड सोशल मीडिया डेफिनेटली कीप्स मी बिज़ी, बट आई हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। तो मैं अपनी बेटी के साथ भी बिज़ी थी, थोड़ा ट्रैवल भी किया एंड ऑल्सो आई वॉज शूटिंग फॉर दिस। येस, इट इज़ मतलब आ गया है, रिलीज़ भी हो गया है, जिस काम में आप बिज़ी थी फाइनली ऑडियंस को पता चल गया कि कुछ तो आप लेके आ ही रही है। बात करूँ, पहले की बात करती हूँ मैं, जब हम आपको याद करते हैं, कुमकुम भाग्य, फिर आपका एक किरदार हुआ था कुमकुम, एक प्यारा सा बनकर। कुमकुम भाग्य इज़ अ डिफरेंट शो। कुमकुम आपका जो सीरियल था वो, और फिर कर्म फलदाता शनि, ये सब किरदार आपने इतना निभाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे ज़्यादा ये मिस करते हैं, जो ओल्ड डेज आपने जो काम किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो आज भी मिस किया जाता है। जब हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो आपके जो काम आपने किया है वो भी हम आज भी हम उसे सराहते हैं, देखते हैं। हाउ यू फील अबाउट दैट? इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि जब आपने कोई काम किया हो और जिस शो को ख़त्म हुए इतने साल हो गए हों, मगर फिर भी आज लोगों के लिए वो उतना ही प्यारा है, उतना ही फ्रेश है लोगों के दिमाग में। सो इट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग। बट देखिए, ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक ही बार बन पाती हैं, कुछ चीज़ें मैजिक होती हैं। जैसे फिल्म्स में अगर हम कहें तो शोले या मैंने प्यार किया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये मैजिक हैं। तो एवरी एक्टर डज अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर दैट मैजिक, बट वो उसका मैजिक हमेशा बरकरार रहता है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरे हिस्से में एक ऐसा शो आया जो उन मैजिकल शोज़ में से गिना जाता है, जो कि टाइमलेस है। वो शो है या अब नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में बिल्कुल है। सो इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ शो। और अभी जो आप एक लेके आ रही है प्रोजेक्ट, ये मेरी फैमिली, इसमें हम मैंने थोड़ा सा ट्रेलर देखा है, वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ ही रही है। तो क्या होने वाला है, आप क्या लेके आने वाली है, फैमिली वाइब्स कैसे, रिलेशन इमोशंस क्या होने वाले हैं इसमें? ये कम्प्लीटली फैमिली के शो है, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है इस वक्त। अगर हम कंटेंट देखें तो क्राइम कंटेंट बहुत है और भी बहुत तरीके के शोज आते हैं, लेकिन ऐसे शो जो बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही इनोसेंट हो और फैमिली को साथ जोड़े रखें, इस किस्म के शोज सच में बहुत रेयर हो गए हैं। एंड अ शो दैट यू कैन वॉच विद योर फैमिली, बच्चे से लेकर दादा दादी की उम्र के लोग साथ बैठ के देखें और इन्जॉय कर सकें, ये वैसा शो है। और आपको अपने परिवार से और प्यार करवाएगा, आपको उनकी वैल्यू और करवाएगा। और ये सच है कि हर इंसान का जो जीवन का आधार है वो उनका परिवार होता है, उनके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी ताकत वही होते हैं। तो ये वो शो है जो हमें ये रियलाइज़ भी कराएगा और हमारे परिवार के और करीब करवाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया, व्हाट वाज द थॉट गोइंग ऑन? क्योंकि आपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, सिलेक्टेड बोलूँ तो मैं, वो लोगों के मन में हमेशा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि यू सेड येस फॉर दिस शो? सबसे पहले तो इट्स अ वेरी क्लीन फैमिली ओरिएंटेड शो। मैंने जो भी काम किया है आज तक वो ऐसा ही किया है कि मैं अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकूँ। और इस शो की जो स्टोरी लाइन है वो इतनी सिंपल है, लेकिन फिर भी इतनी हार्ट टचिंग है। इतना होलसम शो है, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए या उसे पॉपुलर बनाने के लिए ज़बरदस्ती के जैज नहीं ऐड किए गए। उसमें अननेसेसरी ना ड्रामा है, ना ट्विस्ट्स हैं, ना टर्न्स हैं, ना कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की गई है। और वही उसको आउट ऑफ द बॉक्स बनाता है, वही उसको स्पेशल बनाता है। क्योंकि इतने कॉन्टेंट की भीड़ में जहाँ अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत होती है हर शो हर सीरीज़ को, वहाँ एक ऐसा शो है जो जिसे देख कर ऐसा लगता है कि वो शो को अपने आप में सिक्योरिटी है अपने आप से। से पता है कि जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी वाला केस है, कि ये वो जोन है जहाँ लोग कंफर्ट महसूस करते हैं। तो करते समय भी बहुत अच्छा लगा
और ये मालूम था कि ये लोगों के दिलों को छूने वाला सब्जेक्ट है, तो जितना मुझे परफॉर्म करने में मज़ा आएगा उतना ही लोगों को देखने में। अगर बात करूँ 90s era की, आपने वो चेंज देखा है जनरेशन में, वो चेंज देखा है एज़ यू आर वर्किंग फ्रॉम OTT को आप किस तरीके से देखती है? क्योंकि अभी काफ़ी डिफरेंस थॉट आ गए, इतना कंपटीशन हो गया हर एक फील्ड में, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से काफ़ी लोग निकल के आ रहे हैं फॉर रिलेटेड टू एक्टिंग। ऐसा भी कहा जाता है कि टीवी को ज़्यादा चांस नहीं मिलता है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। हाउ डू यू सी दैट द जनरेशन गैप एंड चेंजेस अबाउट OTT? इनफैक्ट मैं तो इसे बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ कि OTT का जो ये स्पेस है, ये इस वक्त जो एरा चल रहा है ना, ये एक्टर्स के लिए बेस्ट टाइम है। क्योंकि पहले ये लिमिटेशन होती थी कि हीरोइन है तो 20 साल की ही होगी, हीरो है तो सिक्स पैक्स होने बहुत ज़रूरी हैं, यू हैव टू लुक अ सर्टन वे टू प्ले द मेन लीड, यू हैव टू बी इन अ सर्टन एज टू प्ले द मेन लीड। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो सारे बार्स हट गए हैं, वो सारी लाइन्स धुंधली हो गई हैं। अब कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, आपका लुक कितना सिंपल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितने गुड लुकिंग है कि आप कितने अनकन्वेंशनल लुकिंग है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये वो टाइम है जहाँ एक एक्टर अपना लोहा मनवा सकता है, जिस एक्टर में कला है, जो निपुण है अपनी कला में, ये उसके लिए बेस्ट टाइम है टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, लुक्स, एवरीथिंग। सो मैं तो इस टाइम को बहुत ही बढ़िया टाइम मानती हूँ व्यूअर्स के लिए भी और एक्टर्स के लिए भी। और जहाँ तक बात टीवी की है, तो टीवी की अपनी सेट ऑडियंस है और वो कहीं नहीं जा रही है। अगर ऐसा होता तो अनुपमा जैसे शोज इतने सुपरहिट नहीं होते आज के टाइम में, या इतना प्यार नहीं मिल रहा होता उन एक्टर्स और कैरेक्टर्स को। सो आई फील किसी भी मीडियम को किसी मीडियम से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी की अपनी जगह है और अपनी ऑडियंस है। इफ़ आई टॉक अबाउट योर लाइकिंग, वॉट डू यू लाइक इन OTT वॉचिंग? क्योंकि इतने सारे जॉनर्स है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डॉक्यूमेंट्री बनती है, बायोग्राफी बनती है, कुछ ऐसे स्टोरीज बनते हैं, सब पिछले ज़माने के भी सारे प्लेटफॉर्म्स, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से हम ऐप में देख रहे हैं। आप क्या पसंद करती है देखना? मुझे मैं ना ऐसे कोई फिक्स जॉनर नहीं है मेरा कि मुझे तो यही पसंद है। एक्चुअली मैं जब कोई टीज़र देखती हूँ ना, अगर मुझे वो देख के दिल करता है कि ओ आई फील लाइक वॉचिंग इट, देन आई वॉच इट, दैट इज़ इट। उसमें फिर मैं ये नहीं देखती कि ये कॉमेडी है कि ये थ्रिलर है कि ये क्या है। हाँ, एक्शन इज़ नॉट माई फेवरेट जोन, तो मैं एक्शन बेस्ड शोज़ उतने नहीं देखती हूँ। बट बाकी आई लाइक सस्पेंस, आई लाइक कॉमेडी, आई लाइक लव स्टोरीज़, फैमिली ओरिएंटेड शोज़, सो मैं ये सब ट्रेलर देखती हूँ और अच्छा लगा तो देख लेती हूँ। अगर टीवी में भी काफ़ी ऐसे शोज़ है, जैसे आपने अनुपमा की बात की, अगर आपको वापस टीवी वाले दौर में जाना पड़ा या आपको कुछ ऐसे स्क्रिप्ट आए, तो आप जाना पसंद करेंगी? सबसे पहले तो मैं इस बात को ऐसा बिल्कुल ही नहीं देखती कि अगर मुझे वापस टीवी में जाना पड़ा, ये दो शब्द जो हैं ये अप्लाई नहीं होते। एक तो वापस, क्योंकि मैंने टीवी छोड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ अपना होराइजन बड़ा किया है कि अब मैं OTT भी करती हूँ। और पड़ा वाली ऐसी चीज़ ही नहीं है, बिकॉज मैं टेलीविज़न को बिल्कुल भी किसी भी और मीडियम से कम नहीं मानती हूँ। टेलीविज़न मेरा घर है और वो जगह है जिसने मुझे वो स्टैंडिंग दी है जहाँ आज मैं हूँ। तो मैं बिल्कुल अनग्रेटफुल होने में विश्वास नहीं रखती, जिस थाली में खाया उसमें छेद करने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं टेलीविज़न को पूरी रिस्पेक्ट के साथ देखती हूँ। सिर्फ एक रीज़न है कि मैं आसानी से टीवी के शोज़ को हाँ नहीं करती हूँ, और वो है टाइम कमिटमेंट। बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल हूँ, और जब मैं एक शो में बिज़ी होती हूँ तो मैं अपने काम को सेकेंडरी नहीं कर पाती, वो मेरी पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं। और क्योंकि मैं एक मदर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बच्ची को भी टाइम इक्वली देना है और सही तरीके से उसकी परवरिश करनी है। तो टेलीविज़न की रिक्वायरमेंट्स जो है ना टाइम की, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बांध देती है। इसलिए OTT ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए। एंड ऑब्वियसली मैं ज़्यादा डिफरेंट किस्म के रोल्स में एक्सपेरिमेंट भी OTT में कर सकती हूँ। टेलीविज़न की उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिट है कि मैं सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स शायद टेलीविज़न में ना मुझे ऑफर हो ना मैं कर पाऊँ। तो इस वजह से मैं टेलीविज़न से इस वक्त थोड़ा दूर हूँ। बट उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ना मैं टेलीविज़न नहीं करना चाहती या मैं दोबारा नहीं करूँगी। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ टेलीविज़न शो, प्रोवाइडेड कि वो मेरे डेज की जो रिक्वायरमेंट है ना उसे समझ पाएँ
और उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर पाए। एज यू आर डूइंग, ये है फैमिली, ये मेरी फैमिली। अगर बात करूँ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए, तो वो आप किस तरीके से बैलेंस करती है, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं बैलेंस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कर पाती हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत ही ऑब्सेस्ड मदर हूँ अपनी बच्ची से। मुझे उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसने ठीक से खाया, उसका मन कैसा है, आज उदास तो नहीं है, स्कूल में क्या हुआ, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर घर पर नहीं हूँ तो मैं बिलीव नहीं करती कि आप बच्चे को ऐसे ही अकेला छोड़ दो या डोमेस्टिक हेल्प के साथ छोड़ दो, बिकॉज़ जो एक इमोशनल सिक्योरिटी बच्चे को महसूस होती है फैमिली के साथ, वो अदरवाइज़ नहीं फील होती। तो मेरे पेरेंट्स और मैं और मेरी बेटी, हम लोग सब साथ ही रहते हैं, तो क्योंकि वो उनके पास है तो मैं, पीस ऑफ माइंड है मेरे पास और मैं सुकून से काम कर पाती हूँ जब जब काम पर जाती हूँ, वरना मैं शायद पीसफुली काम नहीं कर पाती। मैं वैसे परफॉर्म भी नहीं कर पाती जैसे कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा मन वहीं लगा रहता है। एज यू हैव सेड, पीस ऑफ माइंड आजकल हम बच्चों में भी देखते हैं, टाइम देना, बातचीत करना, क्या हो रहा है बताना, उस चीज़ को आप मतलब ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहे और वो चीज़ उनके बच्चे ना फेस करे। एज योर मदर, तो आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से है, तो हाउ डू यू हैंडल? मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों से उनके मन में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम बड़े हैं, हम बोल के बता पाते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, बच्चों को आसानी से एक्सप्रेस करना नहीं आता। उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो रोकर बताते हैं, वो चिड़चिड़ करके बताते हैं, वो फिट थ्रो करते हैं, खाने में नखरे करते हैं। तो आपको समझना पड़ता है कि स्कूल में कुछ हुआ है, किसी बात से अपसेट हो, किसी फ्रेंड ने कुछ कहा, क्योंकि बुरा तो हमें, हम जब पैदा हुए हैं तब से लेकर समझ में आता है कि अगर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो फिर वो हमें हमारे बिहेवियर में दिखने लगती है। सो आई फील दैट पेरेंट्स शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस इन्वॉल्व्ड विद देयर किड्स, टॉक टू देम अबाउट लाइफ, टॉक टू देम अबाउट व्हाट दे आर फीलिंग, सो दैट अगर कोई कन्फ्यूजन है या कहीं उन्हें लग रहा है कि बच्चा गलत सोच रहा है, तो वो उसे सही दिशा दिखा सके। अगर कोई नेगेटिव थॉट मन में है तो उसे पॉजिटिव टर्न कर सके। सो क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है, और वो क्वालिटी टाइम जो है वो गैजेट्स के साथ कभी नहीं आ सकता। और यही ये मेरी फैमिली में ब्यूटी है, क्योंकि वो टाइम था जब गैजेट्स नहीं थे, तो हम इंसान आपस में साथ बैठ के टाइम बिताते थे। एंड आई लाइक डूइंग दैट विद माई डॉटर। हम कैरम खेलते हैं, मैं और मेरे पेरेंट्स, हम, मेरी बेटी, हम चारों मिलके कैरम खेलते हैं, हम और भी गेम्स साथ में खेलते हैं। सो वी डू मेक श्योर दैट वी स्पेंड फैमिली क्वालिटी टाइम टुगेदर, सो दैट चाइल्ड फील्स कनेक्टेड एंड इंक्लूडेड इन एवरीथिंग। As you have started a podcast also, how is that experience? Taking a baby steps is very important. You are taking that. How is your experience on podcast? It was such a wonderful and overwhelming experience. ये thought दिमाग में बहुत time से था कि I want to reach out and tell somewhere, give some kind of inspiration to my viewers, because बहुत से लोग मुझ तक through DMs and comments ये बात बोलते थे कि दे लुक अप टू मी, दे गेट इंस्पिरेशन सीइंग माय नेवर ब्रेकिंग स्पिरिट। कोई भी डिफ़िकल्टीज आई लाइफ में, लेकिन दे डिडंट सी मी गोइंग डाउन द ड्रेन्स, एंड दे सॉ दैट आई टैकल्ड इट। ऐसा नहीं है कि रॉक बॉटम हिट नहीं किया इमोशनली, इट्स ओनली ह्यूमन। अगर आप अपने लाइफ के उतार चढ़ाव में इमोशनली लो फील ना करें तो फिर आप इंसान ही नहीं है, कि आप फिर मशीन बन गए। So definitely I also felt emotionally let down in life, but I took my time to heal and I overcame that, and that is what my followers, they see and they look up to. Aur mujhe unhe ye batana tha ki ye taakat hum sab mein hai, ye sirf mujh mein nahi hai, ye hum sab mein hai. Hum sab mein Ishwar ne ye taakat di hai ki hum zindagi ki kisi bhi challenge ka samna kar sakte hain, aur uska samna karenge to hi bahar niklenge, give up nahi kar sakte. बट आई डेंट नो किस रास्ते जाना है। देन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई टीम। माई टीम वर्क्स विद मी एंड फॉर मी, एंड वी सैट टुगेदर एंड वी केम अप विद दिस आइडिया, एंड उससे शी रोज जो है वो आया सामने, एंड वी केम अप विद दिस वुमेंस डे स्पेशल द पॉडकास्ट। जब हमने हर डिफरेंट डिफरेंट लेवल और
आई वुड से डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को बुलाया और उनसे बात की. उसमें एक मेंटल हेल्थ काउंसलर से लेकर एक हाउसवाइफ भी थी, एक टीचर है, तो एक कुक भी है. यू नो हमने सबके डिफिकल्ट और चैलेंजेस लोगों के सामने बताए एंड पीपल रियली लव्ड इट एंड दे रिसीव्ड इट वेल. बिकॉज उसके ज़रिए सिर्फ यही बताना था कि मुश्किलें तो आएंगी ही, उनका सामना करने के अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं. दैट्स दी ओनली वे टू कम आउट ऑफ इट. एंड आई होप दैट आई विल बी एबल टू डू समथिंग मोर इन दिस सीरीज रियल सून. इफ़ आई टॉक अबाउट योर इंस्पिरेशन, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? बिकॉज यू आर मेंटली सो स्ट्रांग एंड वाइल आई एम टॉकिंग टू यू आई एम सीइंग दैट. तो हु इज़ योर इंस्पिरेशन? किसको आप सराहती है अपने लाइफ में और उनको देख के आपको एक हौसला मिलता है? सी आई थिंक लाइफ का हौसला जो है ना वो अपने आप आता है. इसका जवाब मैं थोड़ा अलग तरीके से दूंगी. मेरे लिए ना इंस्पिरेशन के साथ साथ मेरी ताकत मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी बेटी है. वो मेरी वीकनेस भी है और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है. तो अगर मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसा स्ट्रांगली पकड़ के रखा उस दौर में जिस दौर में मैं सबसे ज़्यादा इमोशनली वीक थी. और अगर मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता और मुझे ये फीलिंग नहीं होती दैट दे आर विद मी, मैं शायद नहीं उतने अच्छे से फेस कर पाती या मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम लेती उससे बाहर निकलने में. तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लड़की, एक स्ट्रॉन्ग बेटी को बड़ा किया है क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे यही विश्वास दिलाया कि अपने आप में विश्वास रखो, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड मुझे हमेशा ये याद दिलाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे फेलियर्स में भी, तुम्हारी सक्सेसेस में भी. और वो जो स्ट्रेंथ है ना वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है. तो अगर मेरी स्ट्रेंथ और मेरी इंस्पिरेशन कोई है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी बेटी है क्योंकि वो बच्ची ने मुझे हील किया है और मुझे जीवन में नेवर गिव अप जो एटीट्यूड है वो उसी की वजह से मिला है. बिकॉज आई लुक एट हर एंड आई से दैट आई कांट ब्रेक बिकॉज आई नो दैट माई चाइल्ड इज़ वॉचिंग मी. सो योर चाइल्ड इज़ योर स्ट्रेंथ. सिर्फ पेरेंट्स ही अपने बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं होते. सो मेरी इंस्पिरेशन मेरे अपने घर में, मेरी अपनी फैमिली में, मेरे पेरेंट्स और मेरी बच्ची है जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आपको स्ट्रांग रहना है नो मैटर वॉट यू फेस इन लाइफ. एंड दैट इज़ हाउ एंड दैट इज़ वाई मे बी यू सी अ स्ट्रांग वुमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. मैम आपने कर्म फल दाता शनि किया है, मतलब आप कर्मा में कितना बिलीव रखती है? 110%, मे बी 200% और मे बी मोर. मैं टोटली बिलीव करती हूँ कर्मा में. हाउ मेनी एपिसोड ये मेरी फैमिली लेके आ रही है इस बार सीजन 3 में? ये मेरी फैमिली का सीजन 3 में भी 5 एपिसोड्स हैं जैसे सीजन 2 में थे. वॉट आई वुड वॉन्ट टू कम्प्लीट योर दैट क्वेश्चन बिकॉज कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो जिसे आप बच ही नहीं सकते. अगर आपके पास पलट कर इस जन्म में नहीं अगले 4 जन्म बाद भी आएगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप को आईने में तो इसी जन्म में देखना है. तो अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, बुरा किया है, धोखा दिया है, झूठ बोले हैं, वो कहीं ना कहीं पलट के किसी न किसी दिन तो आपको आईने में बोलेंगे कि क्या किया. तो कर्मा के साथ साथ एक ऑल्टर ईगो भी होता है. अगर हम अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हमें कर्मा में बिलीव रखना पड़ेगा क्योंकि हम जब कर्मा में बिलीव रखते हैं तो ही हम जानकर कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते क्योंकि हमें ये पता है कि एक ना एक दिन लौट कर हमारे पास आना है. इसलिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप के साथ कोई कितना ही बुरा भी करने की कोशिश क्यों ना कर ले अल्टीमेटली आपके साथ सही और अच्छा ही होगा. इफ़ आई टॉक अबाउट आफ्टर ये मेरी फैमिली, कुछ ऐसे पाइपलाइंस है जो आप हमेशा सरप्राइज की तरह लेके आएगी? यस यस, देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कम आउट वेरी सून एंड इट्स समथिंग वेरी स्पेशल एंड आई एम होपिंग दैट पीपल विल लव इट. मैम लास्ट मैसेज टू फैंस एंड ऑडियंस, किस तरीके से आपको और नज़र आएंगी आप और किस अंदाज़ में आप उन्हें आगे भी इंटरटेन करते रहेंगी? पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतना प्यार दिया है आपने ये मेरी फैमिली सीज़न 2 को. सीज़न 3 आज ही स्ट्रीम हुआ है, प्लीज़ ये मेरी फैमिली सीज़न 3 देखिए. इट्स सच अ ब्यूटीफुल होलसम शो, आपको अपनी फैमिली के साथ देखने में बहुत मज़ा आएगा. एंड आई रियली होप कि आपने जितना प्यार सीज़न 2 को दिया 3 को उससे भी ज़्यादा देंगे ताकि हम और आगे बढ़ सकें इस सीरीज़ में और होपफुली और भी सीजन ला सकें आगे.
इसके अलावा भी आप मुझे किसी और शो में बहुत जल्दी देखेंगे एंड एक टोटली डिफरेंट अवतार में. सो आई होप कि आपको मूवी बहुत पसंद आए. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच.